को अपने पक्ष में किया जाए? देखिए ऐसा है कि सबसे बुनियादी प्रश्न ये आता है कमलनाथ जी के आगे, जब ज्योतिर्सिंधिया जी ने पब्लिकली बोला और ललकारा उनकी उनके संचालन करने के तरीके को, तो वहां पर एक प्रकार से तो रिवोल्ट शुरू हो चुका था और उन्होंने उसको चिंगित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको बहुत एरोगेंटली उसका जवाब दिया कि जो करना है कर लें। और इस प्रकार का जो उनका व्यवहार था, तो वो पहले ही अपनी पार्टी के अंदर अपनी जो जो एक गुडविल थी वो खो चुके थे। तो ये अब इनको जब क्राइसिस के स्टेज पे पहुंच गए, तब क्राइसिस नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये कहना कि ये सब चेंज हो जाएंगे या इनके बिहेवियर में अब कोई चेंज आ जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन 4-5 दिनों में आएगा। ये कार्यक्रम वही का वही रहेगा और इनका विश्वास इनके MLAs में खो चुके हैं ये, और ये किसी प्रकार से अपने विश्वास की पुनरावृत्ति करने में मुझे लगता है असहाय रहेंगे। ये ठीक है, इनको एक थोड़ा सा एक सहानुभूति वाला या अपना जो इन्होंने तिकड़म लगाई है स्पीकर के माध्यम से किसी प्रकार से समय ले लिया है, मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि कहीं इरोजन और ज्यादा ना हो जाए और MLA छोड़ करके इनके उससे ना निकल जाए, क्योंकि इस समय जिस प्रकार की ये आश्वासन देंगे, कुछ लोग तो अपनी मेंबरशिप खोने के चक्कर में है, कुछ लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि हम त्रिशंकु ही बन के रह जाएं, तो इस प्रकार की बहुत सी अटकलें लगाई जाएंगी इस बीच में। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये इनके लिए घातक है और भी जो इनका विश्वास है वो भी कम होता चला जाएगा। और देखिए जनता है, जनता जो है ये समझती है कि इस प्रकार के जो व्यवहार है वो प्रजातांत्रिक ढांचों में कामयाब नहीं होते। और अगर मान लीजिए चुनाव हो गया, देखिए गवर्नर का अधिकार है, प्रेसिडेंट को अब वो रिपोर्ट भेजेंगे और वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि भाई यहाँ पर संवैधानिक संगठन आ चुका है, और प्रेसिडेंट का ये अधिकार भी बनता है कि अगर वो समझते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो है सिवाय मौका परस्ती के अलावा ये कमलनाथ सरकार और कुछ नहीं कर रही है, अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति लगा करके खींचतान करके चलाना चाहती है, तो हो सकता है कि और भी उसके दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इनका छोटा इरादा है और बहुत ही छोटी सोच है। कमलनाथ जी एक सीजन आदमी है, सीजन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री इतना लंबा उनका तजुर्बा है। अरे सत्ता लालच छोड़कर के जब आपका धरातल खिसक गई है तो बड़ी गरिमा के साथ आप सरेंडर करिए। बल्कि मैं तो कमलनाथ जी को यही एडवाइस करूंगा कि वे फ्लोर टेस्ट की वेट ना करें, वो बल्कि रेजिग्नेशन दे करके और सरेंडर कर दे और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सत्ता में उनको सौंपने का पूरा सहयोग दे। जी रघुरावन जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। रघुरावन जी क्या कहेंगे, इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कमलनाथ, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है उनका, कितना ही वक्त मिल गया होगा। 15 साल तो राज कर लिए है, होने की वजह से इन लोगों को सत्ता आ गई। सर हमें ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस से। डेढ़ साल अभी मिले हैं, वो अलग बात है कि भाई उनके नंबर नहीं है, उनका प्रोटेस्ट होगा, वो प्रूव होंगे, वो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। अगर नंबर्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाहर जाएंगे, इसमें इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। मेरे